गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें फिगर बना के दिया हुआ है, तो वो फिगर हम मैं बना देती हूँ। तो इसमें एक सर्कल है और उसमें के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इनके तीनों तरफ, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना सर्कल के, इसमें डिजाइन बने हुए। अब इस इक्विलेटरल सर्कल में रेडियस दिया हुआ है कि 32 सेंटीमीटर। तो सेंटर से ये 32 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पर ये जो तीन पार्ट है, ये जो पार्ट है, अगर मान लो सिर्फ आप इस पार्ट को कंसीडर करते हो, तो ये क्या है, एक सेगमेंट है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना, और ये नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, तीन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्योंकि ये सेंटर पे जो है ये तो सारे एंगल्स इक्वल ही होंगे, है ना। तो सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, तो थीटा अगर हमें निकालना है, थीटा मतलब क्या हो गया, एंगल एट द सेंटर, तो ये होगा थीटा इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि कितने पार्ट बन रहे, तीन पार्ट बन रहे, तो ये 120 डिग्री है। ओके, तो आप लिखो एरिया ऑफ डिजाइन अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ डिजाइन आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, और इसमें सेगमेंट जो है वो कितने हैं, तीन है, इसलिए आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, बस अब हम फार्मूले लगा देंगे, 3 × r² थीटा बाय 360 डिग्री हाँ, तो बस अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आर की वैल्यू हमें दी हुई है 32, तो 32 × 32, और थीटा जो है वो कितना होगा, 120 डिग्री। मैंने आपको बताया है कि थीटा कैसे निकालते हैं, तो 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, देख लेते क्वेश्चन में, ऐसा स्पेशली कुछ बोला नहीं है, तो हमें 22/7 ही लेना है। कितना लेना है, 22/7, साइन 120 डिग्री का हाफ कितना होगा, 60 डिग्री, अब कॉस 120 डिग्री का हाफ यानी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल करो, इसको इससे 3 से काट, ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ कटने वाले नहीं है, तो 3 × 32 × 32, और ये हो गया 22/20, साइन 60 डिग्री √3/2, और कॉस 60 1/2। अब यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4 होता है ना, 4 और 21 का एलसीएम 84 होगा, तो 4 को 22 से करोगे तो 88, और इधर क्या आ गया, 21√3। अब हम इस 84 को यहाँ से काट सकते हैं, तो 4 की 12 में 8 बार में 32, अब 4 की 12 में करेंगे तो 21,
अब थ्री की टेबल से हम इसे काट सकते हैं सेवन बराबर, ओके। और तो इसमें कुछ कट नहीं रहा है, तब हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो लिखेंगे 256 × 88 × 88 बाई सेवन माइनस 256 × 21√3 / 7 थी, 7 से ये कट जाएगा, 7 बार सॉरी 3 बार में, कितने बार में कटेगा 3 बार। अब आप इसकी कैलकुलेशन, नहीं ये तक नहीं कटेगा तो ये इतना ही रहेगा 256 × 88 / 7 - अब इसे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपको लिख देना, ओके। तो यही मेरा आंसर है, बस बाकी की कैलकुलेशन करके ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें फिगर दिया हुआ है, और वो फिगर है कि चार सर्कल है जो एक दूसरे के साथ टच करते हुए बन रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं है, टच करते हुए बन रहा है। ऐसे फिगर, ठीक है, और हमें जो शेडेड पार्ट चाहिए वो चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या क्या है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, तो देख के ही पता चल रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी, 7 हो जाएगा, 14 का ½ 7 हो जाएगा, है। अब हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड ये होगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये क्या है, क्वाड्रेंट है, तो अ स्क्वायर माइनस 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 × 1/4 π r² 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 14 × 14 − 22/7 × 7 × 7 इसको इससे काट दिए तो ये कितना आ गया 196 × 154 = 42 cm². तो आज की क्लास में हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, थैंक यू।